और ये जो छत है वो इस तरह से कुछ इन्होंने डिज़ाइन करी हुई दिखेंगे, खूबसूरत आर्ट करा हुआ है इस पर। लाहौर मॉर्निंग 10:30 AM। हार्ड रॉक लॉज इस तरह से करके ये उसका रूम है। तो भाई इस वक्त अभी day 3 है और सुबह सुबह 8 आपका भाई टाइम अगर देखा जाए तो ये 10:30 हो रहे हैं सुबह सुबह के। लाहौर मॉर्निंग 10:30 AM। आगे चलते हैं और अपना काम डेली के हिसाब से करते हैं जो हम लोग करते हैं, और दिखाते हैं साथ साथ क्या समझे आज को। आइए आगे। ऑरेंज ट्रेन की जो बनाई है कितनी हाइट पे बनाई हुई है, अच्छी खासी हाइट पे बनाई है। ये ट्रेन है वही ना, मतलब जो भी है ट्रेन भी है अच्छी खासी हाइट पे बनाई हुई है। हमारे वहाँ पे कराची में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक वो है रोड के साथ ही है, मतलब बहुत थोड़ा सा ऊपर ही, ज्यादा इतना बड़ा नहीं है। नहीं मैं बस ही अभी फिलहाल ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन दोनों है, बस भी है ट्रेन भी है। तूने क्या करना है माम को है? उसका रूम टूर करवाते हैं जो कि कुछ ये है, बड़ा अच्छा इंटीरियर दिया हुआ है, लाइट्स बड़े खूबसूरत लगाए हुए हैं, और ये जो छत है वो इस तरह से कुछ इन्होंने डिज़ाइन करी हुई दिखी है, खूबसूरत आर्ट करा हुआ है इस पर। ये इनके कवर्ड्स हैं, बड़े बड़े लग्जरियस टाइप के कवर्ड्स हैं, दिखाते हैं सारे साइज के बड़े बड़े कबर्ड्स। और ये विंडो है, बेड भी अच्छा खासा पड़ा है, अभी नमाज पढ़ी थी जो रखा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ ज़रा वीडियो। बाहर विंडो है, ये सामने दरवाज़ा है कि, और ये रूम है, छोटा रूम है, अच्छा रूम है, तो बहुत ज़बरदस्त है ये। मैंने रऊफ ट्रैवल क्लब वालों को से ये सारा उनका पैकेज लिया हुआ था, तो उन्होंने दिन के हिसाब से मतलब हर दिन एक होटल या गेस्ट हाउस जो भी उन्होंने करा हुआ था, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिलहाल सीन ये कि मैंने रऊफ ट्रैवल क्लब वालों को क्लब वालों से टूर के पैकेज लिया था, जिसमें मुझे इस्लामाबाद का वन डे, इस्लामाबाद की वन नाइट जो कि यहाँ पर है, हार्ड रॉक लॉज इस तरह से करके, ये उसका रूम है और ज़बरदस्त है। तो
कल हम जाएंगे आगे मजीद फिज़ागढ़ के लिए, और फिज़ागढ़ से पहले है खानपुर डैम, वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे फिज़ागढ़ और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो देख जाइएगा नेक्स्ट डे, इसके बाद आएंगे। अच्छा, इस्लामाबाद में उतरते ही हम लोगों ने सबसे पहले कुछ सेटिंग वेटिंग दिखाई आपको, जिस तरह से रूम टूर था वो दिखाया कि किस तरह का रूम था हार्ड रॉक लॉज का। और फिर मैंने जो बात बताई थी कि हम लोग इस्लामाबाद से आगे गए थे सवाद मोटरवे के लिए, सवाद मोटरवे में स्टे था हमारा, मतलब हल्का फुल्का थोड़ा बहुत 15-20 मिनट हम लोग रुके वहाँ पे, पिक्चर विक्चर्स ली, थोड़ी बहुत खाने पीने के स्नैक्स लिए, और उसके बाद फिर हम आगे निकले थे। तो हम लोग खानपुर डैम नहीं गए थे, उसकी वजह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा, आने वाले ब्लॉग्स में आऊँगी कि क्यों नहीं गए उस जगह पर। साथ ही साथ ये था कि हम गए थे सवाद फोर्ट की तरफ, सवाद फोर्ट भी नई जगह थी, मैं 2020 में जब गया था दोस्तों के साथ तो उस वक्त एक्सप्लोर नहीं करा था सवाद फोर्ट, लेकिन इस बार मैंने सवाद फोर्ट देखा जो कि शेख अब्दुल अजीज़ वगैरह ने बनाया हुआ था, उन सवाद लोगों के लिए एक मेमोरी के लिए, अच्छे जेस्चर के लिए उन्होंने बनाया था, बड़ा खूबसूरत था, जो कि पिक्चर्स अब शो हो रही है आपके सामने। ये सवाद फोर्ट था और वो बहुत बहुत ही खूबसूरत था। तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो आपको नज़र आएगा उसमें कि हम कलाम जा रहे हैं, हम उशू फॉरेस्ट घूमें, हम मालम जब्बा की तरफ घूमें, तो बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। ज़रूर देखिएगा, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कीप सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफिज़।